नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों लेक्चर 16 पे डिस्कशन शुरू किया था और हम अब मॉड्यूल 4 में डिस्कशन कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 में हमने मानव के ज्ञान को लेकर विस्तार से बात किया, मॉड्यूल 4 में अस्तित्व के ज्ञान को लेकर विस्तार से बात करने वाले। फिर हम लोग अगले मॉड्यूल में मानव के आचरण के ज्ञान को लेकर विस्तार से बात करेंगे। तो अस्तित्व के ज्ञान को लेकर हम लोगों ने ये देखा था कि शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, असीम है, उसमें इकाइयां बनी हुई हैं और इकाइयां शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचानती हैं, निर्वाह करती हैं, इस प्रकार संपृक्त हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने शून्य को और समझने का, संपृक्तता को और समझने का, और इस वस्तु के अपने जीने में क्या संदर्भ है इसको समझने का काम किया था। तो कल ये बात हुई थी कि जितने भी शब्द सामने हैं इनके हम अर्थ को और विस्तार से देखें, इसको समझने का प्रयास करें। तो यदि कोई प्रश्न रह गया हो कल की चर्चा में या कल दिन भर के जांच परख से, यदि कोई नया प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, क्या इसको किसी अनुभव की जरूरत होती है? क्योंकि कल मेरे पास कुछ ऐसे घटना घटी कि मैं अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस ध्यान लगा के भी नहीं समझ पा रहा था, और जो आपने पढ़ाया था कि मतलब जो बताया समझाया था कि आस्वादन और आस्वादन और संवेदना, हाँ, इसके थ्रू तो पतनता आती, तो इससे समझ में कुछ चीजें आ रही थी, लेकिन मैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं समझ पा रहा था, वहां कंफ्यूजन था। तो कुछ ऐसा है कि अनुभव की जरूरत होती है? अब जिसे आप अनुभव कह रहे हैं बेसिकली एक्सपीरियंस है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, क्या इस पे भी हमको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है या किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद दिखाई देता है, ऐसा है क्या? आप थोड़ा और विस्तार से बताइए कि आपका क्या मतलब रहा जिसमें अपने तक संवेदना का आस्वादन हुआ और नेचुरल एक्सेप्टेंस का पता नहीं चला। असल में घटना ये घटी ना कि कल एक बच्चा ना कुछ सेंट लगा के आया था, मतलब तो मेरा एग्जाम में ड्यूटी लगी थी, तो मुझे वो बेला की खुशबू ना बचपन से बड़ी पसंद है, तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ बेला का फूल लगाए क्या यहाँ पे, ड्यूटी मेरी लगी हुई थी, लोगों ने कहा नहीं। तो बाद में लोगों ने कहा नहीं, इसने इत्र लगाया है। तो अगर मैं पहले वाला प्रभात होता ना तो मैं उस बच्चे को बुलाता, मैं इत्र खरीदता, तो मेरे को फिर ये नहीं समझ में आया कि ये जो खुशबू है ये कंटिन्यूस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पिताजी भी सरकारी ऑफिसर थे तो उन्होंने भी बेला के फूल लगा रखे थे, मैंने भी अपने गमले में बेला के फूल लगा रखे हैं। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उससे मुझे खुशी तो मिल रही है सुगंध से, मतलब कुछ समय के लिए या लगातार मिलती रहती है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है अगर मैं इसे कंटिन्यूस रखता सूंघने को, इस खुशबू को जो हल्की हल्की आ रही थी बेले की, तो क्या मैं दुखी होता है? क्योंकि ये तो एक तरह संवेदना है, एक तरीका का जो मतलब पहले का आस्वादन भी है। तो मैं यही सोच रहा था, तो मैंने अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को सोचा कि क्या ऐसा होता तो कंटिन्यूअस में दुखी होता, तो मेरे को जवाब ही नहीं मिल रहा है कि मैं दुखी होता, क्योंकि कभी अनुभव किया ही नहीं इसको। जी, तो ऐसा नहीं है कि आप इससे दुखी होते। जब कोई अनुकूल संवेदना मिलती है तो हम सुखी होते हैं सामयिक रूप से, और एक एक्साइटमेंट के रूप में रहता है। जैसे उस स्थिति में जब ये गंध आप तक नहीं पहुंच रही थी तो आपकी एक तरह की स्थिति थी, जब ये गंध आप तक पहुंची तो दूसरी तरह की स्थिति बनी, और उस स्थिति को देखें तो थोड़ा सा आपका आस्वादन पूरा हुआ, जो एक आस्वादन की आशा बनी हुई थी, जो टेस्टिंग का एक्सपेक्टेशन बना हुआ था वो समय में पूरा हुआ, तो उससे आप सुखी हुए, बट उससे कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती। एक समय के बाद वो असहनीय हो जाएगा, जैसे पूरे समय अगर उसी गंध को लेना पड़े है ना, तो आपके लिए असहनीय हो जाएगा। हो सकता है शरीर में जो शुद्ध हवा की आवश्यकता है वो भी पूरी ना हो, बार बार अगर वही गंध आए तो एक समय के बाद असहनीय हो जाएगा। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस अगर हम देखें तो क्या है, तो गंध का सदुपयोग क्या है, ये हम अगर इसको अपने आप में जांचने जाएं तो हमको उसमें वहां पर हमारी सहज स्थिति दिखाई देती है। तो कोई भी हम गंध लेते हैं उससे हमको उस वस्तु की स्थिति का पता चलता है, तो जो भी संवेदना का हम आस्वादन करते हैं उससे सुविधा के बारे में हमको पता लगता है, और शरीर के स्वास्थ्य के कितना अनुकूल है प्रतिकूल है ये पता लगता है, उसके आधार पर सदुपयोग करते हैं। तो जैसे ये गंध ही है ना, अब एक तरह का हमारे अंदर अभ्यास था तो हमको ये पसंद आया, हो सकता किसी को बेला का गंध बिल्कुल पसंद आए, तो हम सबका अपना अपना कंडीशनिंग हो सकता है, अभ्यास हो सकता है, किसी को बिल्कुल पसंद आए, किसी के लिए किसी को चिढ़ हो जाए उस गंध से, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना हुआ
जो बेला का इत्र लगाता था और उसका व्यवहार से वो व्यक्ति बहुत दुखी था। अब जब भी कोई बेला का इत्र लगा के आता है तो उसको वही बातें याद आने लगती हैं, वो परेशान हो जाता है। तो उसी बेला के इत्र के खुशबू से कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है, कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, किसी व्यक्ति को हो सकता है, कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें कोई सार्वभौमिकता नहीं है, निश्चितता भी नहीं है, निरंतरता भी नहीं है, ना कोई तृतीय बिंदु भी नहीं है। ये बात हम अगर अपने आप में जांचे तो हमको दिखाई देता है। तो फिर इसका सदुपयोग क्या है, ये बात अपने आप में जांचने की जरूरत है। जो हम इत्र लगाते हैं सदुपयोग क्या है, तो वैसे देखें तो हम कोई भोजन लेते हैं उसमें एक गंध रहता है, उस गंध से भोजन कितना स्वास्थ्य वर्धक है ये पता चलता है, ठीक है ना। परंतु हम इत्र लगाते हैं, इसका स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, हो सकता है कोई लेना देना ना हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है हमने ऐसी बना ली है जिसका हमारे स्वास्थ्य से, शरीर के पोषण के संरक्षण से कोई संबंध ही ना हो, शरीर के सदुपयोग से कोई संबंध ही ना हो। हाँ, कभी कभी इतना जरूर होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे वर्कशॉप होना है या कहीं रह रहे हैं आप, तो वो कमरा बहुत दिनों से बंद है, उसमें दुर्गंध आ रही है, तो दुर्गंध को सप्रेस करने के लिए लोग उसको छिड़क देते हैं। बट उससे ज्यादा अच्छा विकल्प है कमरे को खुला रख दे थोड़ी देर ताकि फ्रेश एयर आए। जिस कारण से दुर्गंध आ रही है उस दुर्गंध को हम, है ना, दूर करें, जिस कारण को हम दूर करें ताकि दुर्गंध ना आए। वैसे शरीर के ऊपर भी अगर देखें, शरीर का अपना एक गंध होता है, शरीर का जो गंध होता है उससे पता लगता है कि शरीर कितना स्वस्थ है। जैसे किसी को अगर पसीना बहुत आता है तो शरीर से दुर्गंध आएगी, है ना, या अलग अलग अवसरों पर शरीर से अलग अलग तरह के गंध आते हैं, उससे शरीर की स्थिति का पता चलता है। अब हम उसके ऊपर कोई इत्र लगा दे तो सप्रेस हो जाता है, तो हमको शरीर के स्वास्थ्य का जो पता लगता है वो लग भी नहीं पाता है। तो ये भी अपने में देखने की वस्तु होगी, इत्र का कोई सदुपयोग है कि नहीं, ये बात हम सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देख सकते हैं। जी जी भैया, इसका मतलब भी मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया जितना आप मुझे बता पाए, तो मैं उतना अगर मैं एक्सप्लोर किया होता तो शायद ये सवाल नहीं पूछता है। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आप। भैया ये रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट है रिलेशनशिप्स में, इसमें अभी तक की जो अवस्था मैंने ऑब्जर्व की, मैं रूप के रूप संदर्भ में तो व्यक्ति को देख पा रहा हूँ, लेकिन संबंध के रूप में देख पाने के लिए अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहा हूँ, सेशन भी अटेंड कर रहा हूँ, तो और इससे और क्या किया जा सकता है उस स्टेज या स्टेट को और अच्छे से अटेन करने के लिए संबंध के रूप में। जैसे मैं किसी व्यक्ति को देख पा रहा हूँ लेकिन उसको उसकी जो इनेटनेस है उस व्यक्ति के डीपर लेवल पे फॉर्म से डीप नहीं जा पा रहा हूं मैं। जी, संबंध में भागीदारी ये करने की जरूरत है। वो भागीदारी हम नहीं करते संबंध में तो संबंध को बहुत आंशिक रूप से देख पाते हैं। जैसे उस व्यक्ति के रूप को देखा और उसके साथ एक संबंध को पहचानने का प्रयास किया, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी घटनाओं को ध्यान दिया और थोड़ा उसके व्यक्ति के बारे में, व्यवहार के बारे में, उसके विचार के बारे में पता चला। बट जब तक हम भागीदारी नहीं करते अगले के सुख के अर्थ में, तब तक संबंध का भाव हमारे अंदर पुष्ट नहीं होता। तो जो करने का काम है संबंध में भागीदारी। जी भैया, जैसे मैं ये मार्केट जाता हूँ तो, या जैसे कल गया वहां मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो उनसे मैं उस समय अपने समय का कैसे सदुपयोग करूं, क्योंकि रूप के अलावा मैं सभी व्यक्तियों से, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पर्संस आर देयर, तो उनसे बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल फीमेल, उनसे मैं किस तरह से अपने आप को रिलेट करूं ताकि वो प्रक्रिया एक्सप्लोरेशन की उस समय भी चलती रहे, कैसे उपयोग करूं समय का। जी जी, इसमें हम अपने आप से पूछेंगे कि ये जो अन्य मानव दिखाई दे रहे हैं हमको मार्केट में जी, इनसे मेरा क्या संबंध है, कोई संबंध है कि नहीं। तो हमने मान लीजिए सुना है कि कोई संबंध होता है मानव मानव के बीच में, सबके साथ होता है, बट हमको वहाँ मार्केट में दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, जिनके साथ भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे आप कहीं लाइन में खड़े हैं तो जो आपके आगे लगे हैं वो भी आपके संबंधी है, जो पीछे लगे हैं वो भी आपके संबंधी है। अब कोई पीछे वाला आगे आके खड़ा हो जाए तो उसके साथ हमको संबंध का भाव दिख रहा है कि नहीं, है ना, या आगे वाला अपने काम में बहुत समय लगा रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके साथ हमको संबंध का भाव दिख रहा है कि नहीं। जिस दुकानदार के पास हम गए और हमने सामान खरीदा, उसके साथ जो हमने व्यवहार किया, विनिमय किया, उस व्यक्ति के साथ संबंध का भाव दिख रहा है कि नहीं, किस तरह से हम देखना शुरू करेंगे इस अवेयरनेस के साथ दिखाई देगा। तो हमको दिखता है कि ये सभी मैं है,
शरीर के साथ हैं, अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए मार्केट आए हैं, या आवश्यकताएं जो पूरा करने में लगे हैं, ये मान्यता के भी आधार पर हो सकती है, संवेदना के भी आधार पर हो सकती है, समझ के भी आधार पर हो सकती है, तो इनके साथ मेरी पूरकता क्या है? जी जी, तो थॉटफुली तो मैं देख पा रहा हूँ भैया जितना आपने कहा, पर उससे गहरा नहीं उतर पा रहा हूँ जी। थॉटफुली मैं देख पा रहा हूँ, रिलेट भी कर पा रहा हूँ, ना केवल उनको प्रति प्लांट्स और जो बाकी तीन ऑर्डर्स हैं उसको भी मैं देख पा रिलेट कर पा रहा हूँ, पर उसको जो नेचुरल एक्सेप्टेंस में के और राइट अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में जितना मैं और गहरा देखना चाहता हूँ वो नहीं देख पा रहा हूँ अभी मैं जी, ऐसा मेरा मानना है भैया। हाँ, तो जैसे क्या होता है ना कि संबंध संपर्क दो प्रकार से हम निर्वाह करते हैं, तो संबंध जहाँ पे हमारे संबंध में एक निष्ठा बनी हुई है, एक स्नेह बना हुआ है, उसमें कुछ कमिटमेंट बना हुआ है, उनको तो जैसे संबंध कह सकते हैं और बाकी को संपर्क कह सकते हैं, वैसे है दोनों संबंध ही है ना, क्योंकि संबंध का भाव दोनों जगह है। तो जहाँ पे हमारी पहले से ही आशा निश्चित है कुछ, वहाँ पे हम पहले उसको ठीक से निर्वाह करने का प्रयास करें, जैसे माता पिता संतान संबंध है, पति पत्नी संबंध है, भाई बहन संबंध है, इन संबंधों में हम देखना शुरू करें, व्यवस्था संबंध है या फिर जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं समाज की व्यवस्था के लिए, तो इन लोगों के साथ हम संबंध को देखना शुरू करेंगे, क्या मेरे अंदर इनके प्रति विश्वास का भाव हर क्षण बना रहता है, तो खास तौर पर जिनके साथ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है विश्वास का भाव बना रहता है कि नहीं, क्या मैं उनके आचरण से इरिटेट होता हूँ, दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, क्या मैं जब उनसे व्यवहार करता हूँ तो व्यवहार उनके सुख के अर्थ में होता है नहीं होता है, वहां से देखना शुरू करें। फिर संपर्कों को भी देख सकते हैं, तो संपर्कों में भी आपको दिखाई देगा कि अगर ये संबंधों का निर्वाह हम ठीक से कर रहे हैं और वहां हमारे अवेयरनेस बना हुआ है तो संपर्कों के निर्वाह में भी हमको सहजता रहती है, तो ऐसा नहीं कोई लाइन में अगर आगे से हाथ लगा दिया तो हमको गुस्सा आ जाएगा, या चेयर पे लिमिटेड चेयर्स हैं, बैठने के लिए जगह कम है, मेरे से पहले कोई और जाके बैठ गया तो हमको उसको देख के गुस्सा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इन संबंधों में जहाँ निष्ठापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं, अगर हम अपने भाव के प्रति सजग रहें और भाव में परिमार्जन कर पाए तो उनके साथ भी हमको वही भाव दिखाई देता है। तो इन पहले जहाँ पे संबंध में एक निष्ठा बनी हुई है वहाँ हम ठीक से निर्वाह करें, वहाँ हम अपने भाव पे सजग रहें, अपने भाव में परिमार्जन के लिए काम करें, फिर संपर्कों में भी होगा, फिर आपको दिखता है कि इसके अलग से प्रयास नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है। जी भैया, थैंक यू भैया, नमस्ते भैया। जी जी, सहज रूप से इसको पूरा कर पाते हैं भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अस्तित्व की बात करता हूँ तो उससे नियम के बारे में तो पता चलता है, और जब नियम की बात हम करते हैं भागीदारी समझ में आती है, समावयी कारण तो समझ में आ जाता है कि एक दूसरे के साथ कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, पर जो निमित्त कारण है, मतलब आखिरकार हुआ किस वजह से, क्या इसके बारे में सोचा, मतलब ये पता चला जा सकता है क्या? देखिये, तो नियम और घटना दो अलग अलग चीजें हैं, तो नियम हमको दिखाई दे सकता है, समझ में आता है, उसका चिंतन बोध अनुभव हो सकता है। जो घटनाएं हैं वो घटनाओं को देखे तो नियम के आधार पर ही हो रहे हैं और उसमें कुछ रूप गुण परिवर्तन हो रहा है, तो उन घटनाओं के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं, और उन घटनाओं के अगर हम कारण में जाएं तो नियम के आधार पर वो हमको स्पष्ट तो होते हैं, परंतु घटना के बारे में जो जानकारी है वो कभी पूर्ण नहीं होती। तो नियम के आधार पर स्पष्ट होते, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब किसने क्या कहा, बात कहाँ से शुरू हुई है ना, मुद्दा क्या था, इस सब जितनी भी जानकारी जुटाएं वो अपूर्ण रहेगी, क्योंकि वो बात फिर होता है कि आज ही थोड़ी झगड़ा हुआ है, इसके लिए तो पहले से ही कुछ कहानी चल रही थी, अब उसके कहानी दर कहानी है, उसको हम सुनते जाए तो सूचना कभी पूरी नहीं होती। परंतु नियम तो ये है कि अगर दोनों के अंदर विश्वास का भाव हो, दोनों एक दूसरे के सुख के अर्थ में विचार कर रहे हो तो झगड़ा नहीं होगा, अगर नहीं कर रहे हैं झगड़ा होने की संभावना है, आज हो कल हो है ना, छोटी सी बात पे हो बड़ी सी बात पे हो संभावना है। जी, तो इस तरह से हमें समझ में आता है, तो हमें नियम तो समझ में आता है, नियम दिखाई देता है, उसके आधार पर हम घटना को एक्सप्लेन कर पाते हैं, विश्लेषित कर पाते हैं, उसमें हम तुलन कर पाते हैं, उसके आधार पर हम चयन कर पाते हैं, बट नियम स्पष्ट रहते हैं। जैसे कभी भी दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए है ना, झगड़ा हो जाए, आप पूछिए क्या हो गया, सबका अपना वर्जन होता है, और उस वर्जन में भी अगर आप डिटेल में जाएं तो उसके पीछे की बहुत सारी कहानी चल रही होती है, क्योंकि वो इरिटेशन एंगर कहीं था दूसरे के प्रति और बहुत समय से चल रहा था,
और अगले व्यक्ति कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है ये तो सूचना है, ये हमको कभी पूरी तरह से मिल भी नहीं सकती। अगला व्यक्ति खुद ही अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग नहीं हो पा रहा, जैसे हम भी अगर कहें कि हमको अपनी पूरी कल्पनाशीलता को शेयर करना है किसी के साथ, तो हम पूरी कल्पनाशीलता को देख पाएंगे तभी तो शेयर कर पाएंगे। तो जब हम खुद अपनी कल्पनाशीलता को पूरा शेयर नहीं कर पाते दूसरे के साथ, तो दूसरे की कल्पनाशीलता को कहाँ पूरा हम अध्ययन कर लेंगे, तो हो भी नहीं सकता। तो सूचना का दायरा हमेशा सीमित रहता है और सूचना कभी पूरी नहीं होती। जो पूरा होता है वो ज्ञान है, जो नियम का है। घटनाओं में सूचना और नियम दोनों शामिल है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, पर ये घटना की वजह से फिर मान्यताएं बनने लगती हैं, या इसका मतलब तो ये भी इससे तो बचना पड़ेगा फिर ना भैया। हाँ, घटना की वजह से मान्यता तब बनती है जब नियम स्पष्ट नहीं होते। जैसे दो लोग झगड़ा हो गया और किसी के बारे में कोई हमको सूचना मिली है ना कि इसी पंथ का है, संप्रदाय का है, या इस घर का है, उस समाज का है, और फिर हमने एक मान्यता बना ली कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। अब ये एक हमारी मान्यता बन गई। तो घटना हुई, घटना के फल परिणाम को देखकर हमने एक मान्यता बना ली, क्योंकि नियम स्पष्ट नहीं। नियम स्पष्ट होगा तो हमको फिर वो दिखाई देता है कि हाँ, वो तो हर मय में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हो सकती हैं। तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, व्यापक में इकाइयां संपृक्त हैं, और संपृक्तता को समझने जाते हैं तो तीन बातें दिखाई देती हैं। शून्य के सह अस्तित्व में ऊर्जित है, शून्य के सह अस्तित्व में नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्था है, शून्य के सह अस्तित्व में परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस प्रकार बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। और अस्तित्व क्या है? तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको अस्तित्व कह रहे हैं। कि धरती भी है, ग्रह गोल भी है, इतने सारे है ना गैलेक्सी में सिस्टम्स हैं, ये सारे जोड़ करके देखें, जो कुछ भी है उस सबको जोड़ कर अस्तित्व कह रहे हैं। और दिखाई देता है कि ये स्वनियंत्रित है ना, ये निश्चित व्यवस्था में है, हारमोनी में है, इसका एक निश्चित आचरण है, और इसीलिए इसको समझा जा सकता है, इसीलिए इसको समझा जा सकता है। तो हम समझ उसी को सकते हैं जिसमें निश्चितता है। इसमें अनिश्चितता उसको कैसे समझेंगे? आज कुछ हमने उसको जांचा और कल वो बदल गया तो नहीं समझ पाएंगे। बट अस्तित्व जिस नियम के आधार पर बना हुआ है, उस नियम को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसी नियम को जब हम देखने जाते हैं और नियम हमको पूरी तरह से नहीं परंतु किसी रूप में दिखाई देता है, समझ में आता है, तो हम कई बार कल्पना कर लेते हैं कि कोई नियंता जरूर है जो इस नियम को चला रहा है, नियम को बनाए हुए। अब वहां पर जाकर फंस जाते हैं। तो हमको दिखाई दे कि अस्तित्व अस्तित्व पूर्वक है ही, यही नियम है, ये अस्तित्व का नियम है। अस्तित्व अस्तित्व पूर्वक है, ये अस्तित्व का नियम है, ये हमको दिखाई देता है। उससे हमारे बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे प्रश्न तिरोहित होते हैं, उनका समाधान मिलता है हमको। तो अस्तित्व में देखें तो इकाइयां हैं जो शून्य में संपृक्त हैं। इकाइयों को देखें तो सीमित आकार की है, जबकि शून्य असीम है। हर इकाई स्वयं में क्रिया है, दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। शून्य को देखते हैं, दिखता है क्रिया शून्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई घटना बढ़ना नहीं है, वो है ही। और इसलिए आप देखेंगे शून्य के हमको होने का पता तो लगता है, बट हमको लगता है इसमें क्या अध्ययन करें, इसमें कोई क्रिया तो है नहीं। तो हमारा सारा जो अभ्यास है क्रिया को अध्ययन करने का, क्रिया की ओर ध्यान देने का है। इसलिए क्रिया शून्य पे ध्यान देना भी हमको कई बार लगता है ऐसा क्या लॉजिक है, क्या रिलीवेंस है, क्या उपयोग है। इसलिए हम अपनी दिनचर्या में इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते, क्रियाओं पर ध्यान देते रहते हैं। पदार्थ है उसमें क्रिया है ना, प्राणावस्था की इकाई है उनमें क्रिया है, पशु पक्षी हैं क्रिया है, मानव है उनमें क्रिया है, तो उनकी ओर हम ध्यान देते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक। और जो क्रिया शून्य है उसको हम लोग इसमें क्या स्टडी करें, क्यों स्टडी करें, क्या लेना देना है? हमारा इतना हेक्टिक लाइफ है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतने सारे कमिटमेंट्स हैं, इतना कम समय है, इतना सारा काम है, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, अब इन सबको पूरा करने में क्रिया शून्य का क्या रोल है, इसको कहाँ से हम अध्ययन करें, इसके लिए कहाँ से समय निकालें? तो हम कभी ये देख ही नहीं पाते कि इसका हमारा कोई रोल है ना, इसमें इसका कोई उपयोग है समझने का, तो हम वहाँ ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं तो दिखाई देता है।
और फिर जब दिखाई देता है, दिखता है कि सारी क्रियाएं इसी क्रिया शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता में पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, तो उसके आधार पर हम देखते जाते हैं। तो इनफैक्ट हमारा जो अभ्यास है क्रियाओं में भी, तो निर्वाह को देखने का है, उस इकाई के अंदर जो क्रिया हो रही है उसको देखने का नहीं है। इसलिए हम संबंध में निर्वाह को तो देख रहे होते हैं, उसमें हो रही घटनाओं को तो देख रहे होते हैं, उसके आधार में जो संबंध है, जो अंडरलाइंग संबंध है, उस पर ध्यान नहीं जाता। इकाई परस्परता में निर्वाह कर रही हम देख पाते हैं, बट इकाई बनी हुई है और नहीं देख पाते इस चीज को। तो किसी इकाई का होना, स्वयं में व्यवस्थित होना, इकाई का संबंधित होना, इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। जो परस्परता में निर्वाह के कारण रूप गुण परिवर्तन हो रहे होते हैं, उस पर ध्यान जाता रहता है और उसी को हम स्टडी भी करते रहते हैं, कराते भी रहते हैं। परंतु जब भी परंपरा में आज के दिन भी हम ध्यान देते हैं, तो इन चीजों का हमको रिलेवेंस दिखाई देता है। जब उलझ जाते हैं, जब बहुत सारा सुविधा संग्रह करके भी हम सुखी नहीं हो पाते, सब पे शासन करके भी हम सुखी नहीं हो पाते, तो फिर हम अपने आप में देखने जाते हैं कि अल्टीमेटली मुद्दा क्या है भाई, इस सुख सुनिश्चित कैसे होगा। तो जब भी हम निरंतर सुख को ठीक से इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो संबंध पे, व्यवस्था पे, अस्तित्व पे ध्यान जाता है। नहीं तो हम ये क्षणिक सुख में लगे रहते हैं, सामयिक वस्तुओं में लगे रहते हैं। तो जो शून्य है वो क्रिया शून्य है, उसमें बने रहते हुए इकाइयां स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाई सब क्रियाशील है। अब इकाइयों में देखें तो दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। इसमें भी देखें तो हमारा जो अभ्यास है वो जड़ की तरफ ध्यान देने का ज्यादा है, क्योंकि जड़ इकाइयों के द्वारा पहचान में आ जाता है, यंत्र लगा के जड़ इकाइयों का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए जब चैतन्य की बात होती है तो चैतन्य को भी हम जड़ के आधार पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या होता है, तो क्रिया शून्य की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उसका रेलिवेंस नहीं दिखाई देता। चैतन्य की ओर ध्यान भी देते हैं तो जड़ मानकर देते हैं, अपनी ओर ध्यान देते हैं तो भी जड़ मानकर, शरीर मानकर देते हैं। तो अभी जो जीने में चूक हो रही है वो ये हो रही है कि हमारा ज्यादातर ध्यान जो है जड़ पे, चैतन्य पे जब भी ध्यान देते हैं जड़ से जोड़कर, जड़ के आधार पर, जड़ मानकर, और जो शून्य है, क्रिया शून्य है, उसको ध्यान ही नहीं जाता। अब जड़ इकाइयों को देखें तो इसमें सिर्फ पहचाना, निर्वाह करना हो रहा है और अनित्य है, टेम्पररी है। अब चूंकि हमारा पूरा सोचने का ढंग ही पूरे अस्तित्व के बारे में जड़ को देखकर है, तो हम हर चीज हमको टेम्पररी लगती है। हम चाहते कॉन्टिन्यूटी है, मेरा स्वभाव ही कॉन्टिन्यूटी है। अब पूरी पकड़ जो है हमारे बारे में, हमारे अंदर बाकी की चीजों के बारे में, वो सारा अनित्य दिखाई देता है, टेम्पररी दिखाई देता है। तो एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसके साथ हर व्यक्ति जूझ रहा होता है, चाहता है कॉन्टिन्यूटी, जी रहा है टेम्पररीनेस में। जब भी पूछिए अपने आप से, दिखता है कि कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, बट जब कुछ भी करने जाते हैं उसमें टेम्पररीनेस दिखाई देती है। तो ये एक द्वंद्व है जिसके साथ हर व्यक्ति उलझा हुआ रहता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का सेंस का पता ही नहीं है, कॉन्टिन्यूटी का हमको पता ही नहीं है। तो जड़ इकाइयों में देखें सिर्फ पहचाना, निर्वाह करना हो रहा है, अनित्य है। चैतन्य इकाइयों में देखें तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चार तरह की क्रियाएं दिखाई देती है। इसमें दिखता है कि जानने की क्षमता बनी हुई है, परंतु जानने को जागृत करना होता है, अवेकन करना होता है, एक्टिव करना होता है, क्रियाशील करना होता है। तो मानना, पहचान, निर्वाह करना, मिनिमम इतनी क्रियाएं तो चल ही रही हैं चैतन्य इकाइयों में। वो चैतन्य इकाई चाहे पशु के शरीर को चला रहा हो या मानव के शरीर को चला रहा हो, मानव के शरीर को चला रहे हैं तो मानना हमारा काफी विस्तृत रहता है, फैला हुआ रहता है। पशु के शरीर को चला रहे थे, जरूरत ही नहीं पड़ती, शरीर को संभालने के लिए भी जरूरत पड़ती, शरीर के पोषण संरक्षण के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती। परंतु मानव के शरीर को देखें तो उसको, उसके प्रति संयम के साथ जीने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए, पोषण संरक्षण के लिए हमें बहुत ज्यादा कल्पना करनी होती है, मानने का विस्तार हो जाता है उसमें। और जानने की क्षमता हमारे अंदर है तो जानने का भी प्रयास करते हैं। तो जड़ इकाई को देखें तो अनित्य है, चैतन्य इकाई को देखें तो निरंतर है, और शून्य को देखें तो नित्य है। तो जो अनित्य है वो देश में भी सीमित है, काल में भी सीमित है। जो निरंतर है वो देश में तो सीमित है, काल में असीमित है। देश मतलब स्थान, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, है ना, आप कहीं और हैं, तो स्थान में मैं सीमित हूँ, शरीर के साथ हूँ, शरीर का जितना विस्तार है उतने ही विस्तार में मैं भी बना हुआ हूँ लगभग।
आप जहाँ पे हैं उतने ही शरीर के विस्तार में लगभग बने हुए हैं, तो स्थान में हम सीमित हैं। मैं एक स्थान पे हूँ, आप दूसरे स्थान पे हैं, है ना, हर व्यक्ति अलग अलग स्थान पे है और स्थान को हम बदलते भी रहते हैं, तो स्थान में हम सीमित हैं, परंतु काल में निरंतर है। शून्य को देखें तो स्थान में भी असीमित असीम है, देश में भी असीम है, काल में भी असीम है, इसलिए उसको नित्य कहा। और इसी शून्य में ये जड़ इकाइयां संपृक्त हैं, जिस प्रकार संपृक्त हैं उसको सहस्तित्व कहा, कि सहस्तित्व में है। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न है? सर, ज्ञान कैसे सीमित है ये समझ नहीं आ रहा। हम तो आकार में रूप में सीमित है, पर ज्ञान सीमित कैसे है? ज्ञान सीमित है ऐसा नहीं करें, बट ज्ञान में पूर्णता की संभावना है, ज्ञान पूर्ण हो सकता है। जो ज्ञान की वस्तु है वो तीनों ही है, जो देश काल में सीमित है, जो देश में सीमित पर काल में असीमित है, और जो देश और काल दोनों में असीमित है। इसलिए ज्ञान सीमित है ऐसा नहीं करें, बट ज्ञान में पूर्ण हो सकते हैं, ज्ञान पूर्ण हो सकता है ये कहा जा रहा है। पर सर, इकाइयां तो बहुत सारी हैं, असीमित इकाइयां, अगर हम सबकी ज्ञान लेने लगे तो वो तो बहुत ही, हाँ ये कह सकते हैं कि इकाई का ज्ञान पूर्ण हो सकता है, ये सही है सर? वही, इकाई में किसी का ज्ञान पूर्ण हो सकता है, तो इकाई के स्वभाव धर्म परम धर्म का ज्ञान पूर्ण हो सकता है। यस सर, है ना, परंतु रूप और गुण का ज्ञान हो भी नहीं सकता, तो पूर्ण कैसे होगा? गुण का ज्ञान नहीं हो सकता, रूप और गुण का ज्ञान नहीं होता, जो अभी बात हो रही थी ना, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है हमको, बट उसका ज्ञान नहीं होता। सर, रूप और गुण का तो सीमित हो सकता है ज्ञान, कि हम उसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह के उसके रूप और गुण को ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो किसी लिमिट तक ही तो होगा। वो ज्ञान है ही नहीं, वो जानकारी है। अच्छा, वो ज्ञान नहीं, जानकारी है। तो ज्ञान क्या है सर? ज्ञान मतलब नियम का ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सत्यत्व का ज्ञान। जैसे ये जो सामने लिखा है, हम सहसंबंधों का ज्ञान। जी जी, संबंधों का ज्ञान कहते हैं, फिर वो बात फंस जाती है, संबंधों मतलब फिर हम उसको रूप गुण में देखने लगे, संबंध का ज्ञान। संबंध का ज्ञान, ठीक है सर, निर्वाह का ज्ञान और संबंध का ज्ञान। निर्वाह का ज्ञान नहीं, निर्वाह के बारे में जानकारी। निर्वाह की जानकारी, सर ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। तो बहुत सारे शब्द आप ले आए ना, इसलिए मैं उसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। तो जो कुछ भी रूप और गुण से जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी। जी, जैसे उसके रूप के बारे में जानकारी। जी, आज आपको क्या नाश्ता बनाना है, ठीक है ना, उसकी रेसिपी क्या है, उसमें क्या क्या चीजें डलती है, ठीक, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और जानकारी कभी पूर्ण नहीं होती, ना वो ज्ञान की वस्तु है, कल को आप भूल भी सकती हैं। जैसे आपने कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे देखा कि ये चीज ऐसे बनती है, आपने जानकारी जुटाई, उसके आधार पर नाश्ता बना लिया, अभी जानकारी है, इसको हम भूल भी सकते हैं कल को, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है। परंतु भोजन क्या होता है इसका ज्ञान हो सकता है, कि भोजन क्या है, है ना, शरीर क्या है, मैं क्या है, इसका हमें ज्ञान हो सकता है, स्वभाव धर्म परम धर्म के रूप में। बट ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो निर्वाह कर रहे हैं, ये सब जानकारी का मुद्दा है, क्योंकि रूप और गुण के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जब हमको इसका नियम पता होता है, यानी हमको इसके स्वभाव धर्म परम धर्म का ज्ञान होता है, तो इसकी जो रूप और गुण है उसका हम सही सही सदुपयोग कर पाते हैं। जैसे हमको दिखे कि भोजन शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है, तो जो भी हम नाश्ता बना रहे हैं उसमें जो भी रूप और गुण के स्तर पर काम करेंगे वो हम शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में ही निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं खूब मिर्च मसाला डाल दिया, एकदम तीखा हो गया, आंख नाक से पानी गिरने लगा लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है स्वाद में, बहुत चटक बन गया है खाना, तो ऐसा नहीं करेंगे। हमको दिखता है कि स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है। या फिर कोई गेस्ट आए हैं तो हम बहुत ऐसा भोजन बनाए जो कोई दूसरा व्यक्ति न बनाता हो, ताकि इससे हमको सम्मान मिले, लोग याद रखें जम के आ गए थे तो ये चीज खाने को मिला था, ये दूसरों से भाव पाने की बात हुई। जब हमको नियम का ज्ञान होगा कि ये तो सुख का स्रोत है नहीं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो रूप और गुण के बारे में जानकारी जुटाते हैं ना, परंतु ये जो सहस्तित्व है ये ज्ञान की वस्तु है। सहस्तित्व जो निर्वाह करने जाते हैं वो ज्ञान की वस्तु है। जी, जो सह अस्तित्व
के बारे में हम जानकारी लेते हैं वही ज्ञान की पूर्णता है। ठीक है कह लेते हैं, बट अभी जानकारी से शुरू करते हैं बट ज्ञान तक जाते हैं। तो अभी आपको इसके बारे में जानकारी ही मिल रही है, चाहे नियम हो चाहे रूप और गुण से जुड़ी कोई घटना, उसके बारे में हमको जानकारी मिल रही है। बट तो उस जानकारी को हम ज्ञान तक ले जाते हैं, जो संबंध के बारे में जानकारी मिल रही है वो ज्ञान तक जा सकता है, जो व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है वो ज्ञान तक जा सकता है, जो सहस्तित्व के बारे में जानकारी मिल रही है वो ज्ञान तक जा सकता है, परंतु जो रूप और गुण के बारे में जानकारी मिल रही है वो ज्ञान तक नहीं जा सकता, वो सूचना के रूप में ही रहेगा। यस सर, सर बहुत गहरे चले गए हम लोग जी, मॉडल 4 में आ गए हैं तो गहरा तो जाना ही पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा गहराई में जाके एक एक शब्द को हमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना और समझना पड़ता है सर जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लिख ले हम लोग, लिख के एक एक शब्द का हम स्वयं में विवेचना करें कहाँ क्या जा रहा है ना, क्योंकि शब्दों का स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, और जब भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों के प्रयोग में भी एक अनुशासन रखना जरूरी होगा, नहीं तो शब्द का अर्थ ठीक से नहीं जाएगा। जैसे अनुभव शब्द है, अब उसको यहाँ पे अब देखिए तो बिल्कुल सटीक ढंग से प्रयोग किया जा रहा है कि सहस्तित्व का अनुभव, एक्सपीरियंस को, तजुर्बा को अनुभव नहीं कह रहे, विश्वास का भाव जब कह रहे हैं तो विश्वास और भरोसा इन दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जस्टिस का भी बिल्कुल अलग मीनिंग दिखा रहे हैं जी जी, तो जो सही मीनिंग है ना उस पे अपने को ध्यान देना है। प्रश्न है कि जड़ पे जानबूझकर ध्यान कम करेंगे तो चैतन्य की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान कम करने का मुद्दा नहीं है बल्कि सही विधि से ध्यान देने का, तो उसकी जो सीमित उपयोगिता उतने को हम पूरा करते हैं जड़ का, तो जड़ शरीर के लिए पोषण संरक्षण सदुपयोग की वस्तु है, उतने भर में उसका रोल है, उतने को पूरा किया फिर आगे बढ़े, तो ध्यान कम नहीं करना है, वहां से हटाना नहीं है बल्कि उसको फिक्स करना है, या यही इसका रोल है। अनित्य और नित्य, तो जो जड़ इकाइयां हैं वो अनित्य हैं, ठीक है ना, और सहस्तित्व नित्य है। सर ये नित्य और नित्य में भी सर इसको भी अगर हम और थोड़ा दोबारा बताएं तो ज्यादा सही रहेगा सर, यहाँ पर भी थोड़ा सा दोहराया आ रही है जी। जड़ को देखिए नीचे अनित्य लिखा है, जो देश और काल में सीमित, देश मतलब स्थान यानी उसका जो फैलाव है वो सीमित है, एक सीमा है उसकी, और काल में भी सीमित है यानी उसके गठन में परिवर्तन होता रहता है। चैतन्य निकाय को देखें तो देश में सीमित है, उसके स्थान में फैलाव में सीमा है बट निरंतर है, उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पे देखें तो ये नित्य है ना, ये काल में भी असीमित है यानी हमेशा से था है और रहेगा, स्थान में भी असीमित है, हर जगह है, इसमें गठन जैसी कोई बात ही नहीं क्योंकि क्रिया नहीं है। इसमें हम हाँ सर प्लीज एक मिनट सर, इसको हम वो देखें जो हमारा सेल्फ है उसके बारे में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो सेल्फ है जो वो नित्य है, थोड़ा सा इसको आप खुद से समझिए, तो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, अब इसको आप थोड़ा और कुछ प्रश्न है मैं उनको ले लेता हूँ पहले। ये जो धर्म और परम धर्म इसको एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पष्टता कम है। शिक्षा में व्यवस्था को धर्म कहा, सहस्तित्व को परम धर्म कहा। अच्छा अच्छा जी भैया स्पष्ट हो गया। मैं ये देख रहा था कि जानकारियों का जो कलेक्शन है उसको हम ज्ञान पर ले जा पा रहे थे, पर मूल रूप में जब भी हम रूप गुण या अन्य बातें करेंगे वह जानकारियां भी तो ज्ञान के क्षेत्र में आएंगी जो हम उनका कलेक्शन के रूप में देख पाएंगे, क्या ऐसा हम समझ पा रहे हैं? आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक मैं जान पा रहा था कि ज्ञान जानकारियों का कलेक्शन ही ज्ञान है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जी जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जानकारी कलेक्शन ज्ञान है। ज्ञान मतलब दिखना, किस बात का दिखना, तो इकाई किस प्रकार शून्य में बने रहते, ऊर्जित है, नियंत्रित है, प्रस्तुत को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इसका दिखना, इसके आधार पर किसी इकाई की स्वयं व्यवस्था का दिखना और संबंध का दिखना, उसकी भागीदारी का दिखना, ये ज्ञान है। रूप और गुण में जो परिवर्तन हो रहा है सब जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं। पूछना चाह रहे हैं कि कल जैसे आप ध्यान दिलाए थे जो सुख और खुशी,
तो उसके संदर्भ में ये पूछना है, जो जो डेफिनेशन हमारा है हैप्पीनेस का, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव वाला जो है, इफ देयर इज हार्मनी, तो वो जो है सो सुख से मिलता जुलता वर्ड वहाँ हैप्पीनेस है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, या वो हैप्पीनेस का डेफिनेशन है? मुझे तो लग रहा है सुख का ही है, उसके लिए इंग्लिश वर्ड हैप्पीनेस का है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, सुख को ही तो हैप्पीनेस कह रहे हैं, और जो क्षणिक रूप से है उसको एक्साइटमेंट कह रहे हैं। एक्साइटमेंट कह रहे हैं जी। और भैया एक चीज ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आप अभी जो है हम लोग जैसे हम लोग सुन रहे हैं सेशन या वर्कशॉप, तो उसमें बार बार आता है जो संबंध का नियम, तो संबंध का नियम का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, या ये जो हमने संबंध में जो भाव को पहचानने जानने का कोशिश किया उसको अपने आचरण में लाने का कोशिश किया, यही वाला चीज संबंध का नियम है? संबंध का नियम मतलब वो मूल्य, वो भाव, विश्वास जी, उसमें जो निहित भाव जी 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 सहस्वीकृत, सहस्वीकृत जो भाव है वो नियम है, ये नियम है जी जी, ये नियम है कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है जी, ये प्रकृति का नियम है जी, हम उसको देख पाए ना देख पाए जी, ये नियम है कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से ही, उसकी क्रियाओं से ही पूरी होती है, जड़ से नहीं जी। कोई सुविधा के संवेदना से जो हमको सूचना मिलती है उससे हमारी सुख की आवश्यकता पूरी नहीं होती, वो समझ और भाव से पूरी होती है, ये नियम है जी। और भैया एक चीज ये पूछना है, जैसे कल भी आपने ध्यान दिलाया था, आज भी चर्चा हुई कि मान लीजिए हमको उसकी आवश्यकता क्यों दिखेगी, कि उसका ऑफिस में क्या रोल है, पैसा कमाने में सह अस्तित्व का क्या रोल है, तो शुरू में तो भैया ऐसा ही लगता था, जैसे हम लोग वर्कशॉप करने जाते थे तो सर से कोई पूछा कि एचओडी से प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें भी सर कहते थे कि वर्कशॉप करना चाहिए, तो सैलरी नहीं मिल रही, उस समय उतना नहीं समझ पाते थे, जो हर चीज का समाधान वर्कशॉप करना ही कैसे है, लेकिन अब उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है जो ठीक है मेरे पास सह अस्तित्व का अभी नहीं समझ है, ज्ञान है, लेकिन यदि सूचना रूप में ही है, जो आधार में सह अस्तित्व ही है, तो फिर उसको तो जानने की जिज्ञासा होगी ना, तो हाँ, फिर उसमें ऑफिस में रोल या मेरे जीने में या ये सब वाला, तो पूरे चीज को जब होलिस्टिक वे में समझ लेंगे तो उसका जो एक पार्ट है वो तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा ना। हाँ, बट अभी हम कहाँ खड़े, उसके अनुसार हम ध्यान देंगे, अगर हमको सीधा सीधा इसका उपयोगिता समझ में आता है तो ध्यान दे पाएंगे, अगर उपयोगिता नहीं समझ में आता है तो इसके लिए समय लगाएंगे जी। अगर हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि सहस्तित्व ही नियम है और इसी आधार पर सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो मेरा जॉब मिलना, जॉब ना मिलना, जॉब छूट जाना, जॉब रह जाना, सैलरी मिलना नहीं मिलना, ये सब कुछ इसी नियम के आधार पर हो रहा है जी, है ना। अगर हमें ये बात दिखाई देती है तो हम इसके आधार पर फिर सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाते हैं, नहीं दिखाई देती है तो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं जी जी जी। तो जितना जितना जी, हमारा नियम की ओर ध्यान जाएगा उतना उतना घटनाओं की जो सामयिकता है उसके प्रभाव से हम निकलते जाते हैं। हाँ, हाँ। पहले तो हो ही सकता है, जो अनित्य है वो अनित्य है, उसमें तो अनित्यता रहेगी, शरीर है अनित्य है, तो शरीर में कुछ टूट फूट हो जाए, है ना, फिर ना रहे, ये सारा कुछ तो हो ही सकता है, अनित्य है, जो नित्य है उसके बारे में को दिखाई देता है नित्य है, था है और रहेगा, उसको लेकर जो भी शंका भय है वो मिट गया, और जो निरंतर उसके बारे में को दिख गया, तो शरीर में भले ही क्षय हो जाए मेरे में कोई क्षय नहीं होगा जी, है ना जी। तो इस बात से हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं कि मेरे में कोई क्षय नहीं हो सकता, मैं अक्षय हूँ, मैं निरंतर हूँ जी जी। तो वही बात है भैया कि मतलब ठीक है सूचना रूप में यदि मिला है, थोड़ा बहुत कुछ भाषा भाष हो रहा है, तो यदि आधार में कुछ भी है तो फिर यदि उसको हम लोग जान ले तो हमारे लिए वो सही होगा, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही तो सारी बात है कि हम वहां तक ध्यान को ले जा पाए जी जी। भैया भैया अभी नियम की बात हो रही थी, तो जैसे चैतन्य इकाई की आवश्यकता चैतन्य से पूरा होगी और हर आदमी सुखी रहना चाहता है और दूसरे को सुखी करना चाहता है, तो जैसे ये नियम है ये क्या निश्चित है क्या, मतलब इनकी संख्या जैसे न्यूटन के तीन नियम है, ऐसे क्या इन नियमों की संख्या निश्चित है और कहीं एक जगह पे ये लिखे हुए, मतलब आप लोगों ने कहीं संकलित किया है क्या इनको?
जी देखिए, पहली बात है वो न्यूटन के नियम नहीं है, है ना, वो तो या तो गति के नियम है या प्रकृति के नियम है, जिसको हाँ। न्यूटन ने समझने का प्रयास किया। जी जी वो तो ठीक है। जी वैसे ही देखें तो ये भी प्रकृति का नियम है, तो जो न्यूटन कह रहे हैं इस प्रकृति के नियम को समझकर घटनाओं में जो निश्चितता उसको कह रहे हैं, तो वहां पे भी नियम की बात नहीं हो रही। अगर हम विधिवत देखें तो न्यूटन जो कह रहे हैं वह नियम की बात नहीं हो रही, घटनाओं में जो रूप गुण परिवर्तन हो रहा है उसकी निश्चितता की बात हो रही है कि ये घटना अगर रूप गुण परिवर्तन होता है तो इसी प्रकार से होगा। बट हम और मौलिक बात कह रहे हैं कि इकाई इकाई के साथ संबंधित है, तो जब संबंधित है तो जो भी निर्वाह होगा इसी संबंध के आधार पर होगा। इकाई स्वयं व्यवस्थित है, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि न्यूटन इस बात को तो देख पाए कि जब एप्पल अपने पेड़ से गिरा है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरा, उसको उन्होंने पहचानने का प्रयास किया, उसका एक नियम दिया, और नियम भी अल्टीमेटली ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है। जो पहचानना निर्वाह करना है इस इकाई का धरती के साथ, उसको लेकर उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। और न्यूटन को मगर ये बात नहीं दिखाई दी कि ये जो एप्पल है ये धरती से ऊपर कैसे पहुंचा पेड़ तक, जी वो भी एक नियम है कि कैसे ये खनिज लवण आपस में मिलकर एप्पल बन गए और एप्पल पेड़ पे चढ़ के बैठ गया नहीं जी, मतलब वो जानकारी से संबंधित है और ज्ञान तो जी, तो जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं नियम के रूप में, तो बेसिकली वो नियम है भी नहीं, वो एक तरीके से नियम के आधार पर जो घटनाओं की निश्चितता है उसकी बात हो रही है। ठीक नियम उसका मौलिक है, नियम मौलिक है, मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ, मैं धरती से संबंधित हूँ, मैं पेड़ पौधे से संबंधित हूँ, है ना। और वहां पे जो बात हो रही फिजिक्स में वो खाली वो जड़ को लेकर बात हो रही है, हम तो चैतन्य जड़ और नित्य तीनों को लेकर बात कर रहे हैं। तो इन नियम निश्चित है, अब इनको संख्या में रखने जाए तो रख सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि ज्ञान के 9 मुद्दे हैं, चार अवस्थाओं का स्वभाव, चार अवस्थाओं का धर्म और सहस्तित्व, ये 9 मुद्दे हैं, तो इसको हम 9 नियम के रूप में पहचान सकते हैं, ये 9 मुद्दे हैं, है ना। अब जैसे सहस्तित्व की बात करें तो 3 मुद्दे हैं, इकाई का ऊर्जित होना, नियंत्रित होना, परस्परता को पहचानना, निर्वाह करना, कि नहीं जी भैया। तो इस तरह से दिखता है कि ज्ञान निश्चित है। इसका मतलब जो वो जीवन ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान और जो उसकी बात है तीसरा सरस्तित्व, यही किसी को नियम कह रहे हैं। देखिए नियम पहले से बना हुआ है उसका हमको ज्ञान होता है, तो संबंध पहले से बना हुआ है उसका हमें ज्ञान होता है, मैं बना हुआ है, जड़ बना हुआ है, उसका हमको ज्ञान होता है, तो ज्ञान को नियम कहना ठीक नहीं है। नियम वो है जो है उसका हमको ज्ञान होता है, मैं उसको देख पाता हूं, तो मुझे नियम का ज्ञान होता है, नियम ज्ञान है ऐसा नहीं। अच्छा इसको थोड़ा सा भैया और बताइए, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा था कि ऊर्जा ज्ञान और नियम ये एक ही चीज है और वो व्यापक है या स्पेस है, थोड़ा सा जी इसको किस रूप में रख रहे हैं है ना वो देखने की बात है। तो जैसे सहस्तित्व तो हर जगह व्याप्त है, अगर हम कहें सहस्तित्व तो ही नियम है ना, तो ये नियम हर जगह व्याप्त है। वैसे अगर हम ये देख पाते हैं कि ज्ञान जो हो रहा है वो शून्य के माध्यम से ही हो रहा है, तो अस्तित्व में ज्ञान उपलब्ध है, और ये भी कह सकते हैं शून्य में ज्ञान उपलब्ध है, कि शून्य से ही हमको ज्ञान हो रहा है, शून्य के माध्यम से ही मैं अन्य इकाइयों से जुड़ा हुआ हूँ। तो शब्द को कैसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं उसका मुद्दा है। तो अगर हम को लगे कि एक ही शब्द 2-3 तरह से प्रयोग हो रहा है तो उसको जाके देखना पड़ेगा किस रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ज्ञान शब्द को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो एक तो स्वयं में क्रियाओं की पूर्णता के अर्थ में कह रहे हैं, तो एक बात है, तब कहें मानव का ज्ञान है ना, सहस्तित्व इसका अस्तित्व का ज्ञान और आचरण का ज्ञान, 3 प्रकार से रख सकते हैं। तो ज्ञान इसको कहाँ कह रहे हैं, जो स्वयं में जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी जागृति को ज्ञान कह रहे हैं। दूसरे प्रकार से रखने जाए तो हम कह सकते हैं भाई कि शून्य में ज्ञान उपलब्ध है, क्योंकि हर इकाई शून्य के माध्यम से ही मुझ में प्रतिबिंबित हो रही है, तो जब मुझ में प्रतिबिंबित हो रही तो ज्ञान उपलब्ध है। तो उस रूप में देखने जाए तो इस रूप में रखेंगे। तो अब हम ज्ञान शब्द का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं उस पर निर्भर है। ठीक है बढ़िया, यानी वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा।
इसलिए जो मुद्दा है उसको हम देख लें। देखिए मूल मुद्दा तो सहअस्तित्व है, जो परस्परता को पहचानना है, निर्वाह करना है, यही हमें संबंध के रूप में दिखाई देता है, संबंधित है ना। इकाई का नियंत्रित होना है, ये हमें स्वयं व्यवस्था के रूप में, बोध की वस्तु के रूप में दिखाई देता है। तो जो सहअस्तित्व में परस्परता बनी हुई है, ये संबंध के रूप में दिखाई देता है। जो व्यवस्था बनी हुई है, ये बोध के स्तर पर दिखाई देता है। और हर इकाई ऊर्जित है, ये हर इकाई की क्रिया के रूप में दिखाई देता है, क्रियाशील है। अब उसी के हम सार को देख रहे हैं अनुभव में जाकर। पहले हम सबसे अगर शुरुआत की बात करें तो इकाई इकाई के रूप को देख रहे थे, इकाई इकाई के गुण को देख रहे थे। उससे आगे बढ़कर हम अवस्था को देखना शुरू किए, सिर्फ इकाई की क्यों, पूरे अवस्था की बात करें, अवस्था को देखना शुरू किया। फिर अवस्था में संबंध को देखा, अवस्था में उसके व्यवस्था को देखा, अब उसके भी सार को देख रहे हैं कि अल्टीमेटली अवस्था व्यवस्थित कैसे है, अवस्था संबंधित कैसे है। उसके जो सार को देखा वो अनुभव की वस्तु है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर से मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर आता हूं। एज ए टीचर, जो ये तीन बातें सामने दिख रही है, टेम्परेरी, कंटिन्यूअस और एवर, तो नित्य और निरंतर का मैं थोड़ा सा ऐसा संबंध जोड़ना चाहता हूँ जो हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं। जैसा हमको एक टर्म दी है, वो प्रैक्टिकल टर्म है, AICT ने, NBA ने बोला है कि आप बच्चों का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करें, तो उसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ क्या कि एवर जो है, अगर हम बच्चे का कुछ देखा ही नहीं, मतलब बच्चे ने कुछ सब ना करें, ये सब बिल्कुल ना करें, एवर कुछ और चीज है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कुछ और चीज है। एवर तो हम सहअस्तित्व को कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं इस बस एक दो मिनट में बात रखता हूँ। अगर हम वो मार्क्स को हम जीरो पकड़ते हैं तो वो मतलब एवर है, लेकिन हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते तो वो कुछ 2, 4, 5, 8, 9 हो जाते हैं। तो मतलब इसमें जो नित्य है या एवर है वो जीरो एवर है, मतलब शून्य जो हम बोल रहे हैं, तो बच्चे ने कुछ भी नहीं किया तो उसको जीरो मिलना ही मिलना है, वो तो फिक्स है। लेकिन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते तो उसको कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो ये क्या थोड़ा सा एनालॉजी इस तरह की एनालॉजी में बिल्कुल ना जाए, है ना। ये एनालॉजी जो है ना कई बार बहुत भ्रामक होती है। बिल्कुल, इससे हमारा ऑब्जर्वेशन रुक जाता है। जी जी, तो जरूरत ही नहीं भैया इस तरह की एनालॉजी की। अच्छा, मतलब ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और जीरो, इसको हमको ये संबंध नहीं रखना है। ये जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट थिंग है, और व्यवहार में जो हम करते हैं वो डिफरेंट थिंग है। जी बराबर है भैया, शून्य के बारे में बात करो। मैं शून्य मिलाना मतलब कुछ भी नहीं मिला तो वो हमेशा मिलने वाला ही है। वो शून्य नहीं है, जीरो नहीं है शून्य, जिसको शून्य कह रहे हैं वो जीरो नहीं है। जीरो और शून्य अलग चीज है। तो अच्छा, जीरो तो हम इकाई के नहीं होने को कह रहे हैं, कोई इकाई नहीं है इसको जीरो कह रहे हैं, बट शून्य तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हर जगह व्याप्त है। करेक्ट करेक्ट, इसमें अपन ने कल डिस्कस किया ना कि स्पेस के बाद या मैं के बाद जो जगह है वहां पर शून्य है, तो करेक्ट है। मैं एक एनालॉजी का रखा था। जी भैया, सब गलत हो रहा है, रुकिए रुकिए। स्पेस मैं के बाद नहीं, मैं के अंदर भी है, मैं के बाहर भी है, हर जगह व्याप्त है। जी, उसको भैया इन शब्दों को थोड़ा और विस्तार से देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत ही मतलब बहुत गहरा है जो सभी लोग बोल रहे हैं ना, समझने में बहुत ही कठिन है, और हम अच्छी स्पेस में चल रहे हैं, एकदम बढ़िया, धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, पेस अच्छा है। जी भैया नमस्ते सभी। तो कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं नित्य है निरंतर? मैं निरंतर है क्योंकि स्थान में सीमित है, जगह में सीमित है, कहीं बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ हूँ NCR में, आप कहीं और हैं, कोई और साथी कहीं और हैं, स्थान में सीमित है, बट मैं भी बना रहूंगा, आप भी बने रहेंगे, काल में निरंतर है। जी गौरव भैया का प्रश्न है, चैतन्य सीमित है और निरंतर है, यह भी शब्दों द्वारा सूचना है, इसका हम अनुमान भी कर सकते हैं, परंतु इसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण तथा डायरेक्टली इंद्रियों द्वारा हो सकता है? इंद्रियों द्वारा नहीं होगा, प्रत्यक्ष हो सकता है, इसका प्रमाण मिल सकता है, परंतु इसका स्रोत इंद्रियां नहीं होंगी, मेरी स्वयं की क्रियाएं होंगी। जी गौरव भैया का प्रश्न था, रियलाइजेशन को नॉलेज कह सकते हैं? कह सकते हैं, बट फिर वो नॉलेज को, अब वो है ना अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, सूचना के संकलन को नॉलेज कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कुछ। तो रियलाइजेशन यानी राइट अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज कहना हो तो कह सकते हैं, ज्ञान को नॉलेज कहना हो तो हम कह सकते हैं। मृत्यु और जीवन निश्चित है तो दुखी क्यों होते हैं सुख की आशा में? तो मृत्यु और जीवन नियम पूर्वक हो रहे हैं,
तो जीना जो है और शरीर छोड़ना नियम पूर्वक हो रहा है, परंतु सुख की आशा पूरी नहीं हो रही, ये समस्या है, इसलिए दुखी होते हैं। भैया एक वो होता है जैसे स्पेस जो है वो हमारे अंदर भी है, इकाइयों के बीच में भी है, पर जैसे हम कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से कम्युनिकेशन हो रही है, बात कर रहे हैं, तो जो वो एक माध्यम है तो वहाँ वो क्रियाशील नहीं है, वो भी मतलब वहाँ पे भी कोई स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्पेस में नहीं हो रही है, स्पेस में बने रहते इकाइयों में एक्टिविटी हो रही है। जैसे भैया बात करते हैं तो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में तो भैया स्पेस है जी, तो जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे मतलब जो आवाज एक दूसरे की आ रही है तो वो तो उसी स्पेस से होके जा रही है ना भैया। तो वही स्पेस आधार में रहता है, उस स्पेस के आधार पे ही हम जुड़े हुए हैं, जो हवा के कण है वो जुड़े हुए हैं, मेरे होठ का जो हवा से संपर्क है वो जुड़ा हुआ है, तो स्पेस आधार में, स्पेस आधार में है, और तो वो क्रियाशील नहीं है, वो क्रियाशील नहीं है। जैसे अभी हम वही ऊपर जाकर धरती से 5000 किलोमीटर ऊपर जाके बात करने का प्रयास करें तो नहीं कर पाएंगे, वहाँ हवा नहीं है। हाँ भैया, तो हवा का हमारे शरीर के साथ जो परस्परता में प्रभाव है, उसके यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि हम तक पहुंच रही है जी भैया जी। तो जो हो रहा है क्रियाओं में हो रहा है जी भैया, जो हो रहा है वो क्रियाओं में हो रहा है, इकाइयों में हो रहा है, सुनने में नहीं, सुनने में नहीं हो रहा। अच्छा, तो मतलब जैसे हम अगर यहाँ से मतलब 5000 किलोमीटर चले जाए तो फिर हमारे बीच में तो वो स्पेस तो रहेगा ना भैया। हवा नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ जो वो हवा है वो क्रियाशील है जी। बिल्कुल जी भैया, धन्यवाद भैया। वो थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा पता नहीं कुछ कंफ्यूजन सी हो गई थी जी। बढ़िया दीदी, ठीक बात है, इन सब मुद्दों को लो जितना उलट पुलट के जितना विस्तार में गहराई में देख सके उतना हमारे शंकाओं का समाधान भी होगा। भैया एक प्रश्न बन रहा है कि स्पेस जब हर जगह है तो चैतन्य में क्रिया हो रही है तो उस क्रिया के अंदर भी क्या स्पेस है, है ना, तो भैया फिर स्पेस में भी एक तरीके से एक्टिविटी हो गई फिर थोड़ी जगह के लिए। नहीं नहीं, ये चीज थोड़ी जी, स्पेस में एक्टिविटी नहीं, स्पेस हर जगह व्याप्त है, मुझ में भी है, आप में भी है, हमारे शरीर में भी है, मेरे और शरीर के बीच है, आपके और आपके शरीर के बीच है, तो हर जगह है जी, बट वो क्रिया है ऐसा नहीं है जी। भैया क्रिया नहीं है ऐसा तो मतलब विचारों के रूप में ऐसा मतलब बैठ रहा है, समझ में आ रही है, लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन इसमें आ रही है कि चैतन्य जहाँ पे है वहाँ तो क्रिया हो ही रही है, तो का मतलब स्पेस के कुछ जगहों पे तो क्रिया हो रही है ना, जहाँ पे चैतन्य है जड़ है वहां पर तो क्रिया हो रही है, क्रिया जो इकाइयों में हो रही है, चैतन्य में हो रही है, जड़ में हो रही है, स्पेस में नहीं हो रही है। ये बात कई बार हमको लगता है कि जहाँ है ना दो वस्तुएं एक साथ हैं तो अगर एक में कुछ हो रहा है तो दूसरे में भी हो रहा है, वही हमने मान लिया है, क्योंकि हमारा क्रिया शून्य को देखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि अगर इकाई में क्रिया हो रही है तो स्थान में तो शून्य भी वहाँ स्थान पे है तो शून्य में भी हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, उस क्रिया के आधार में शून्य है जी। भैया एक फिर इसमें कंफ्यूजन सा बन नहीं पड़ा, तो इसका मतलब स्पेस तो अलग हो गया और मैं अलग हो गया, एकदम टू डिफरेंट थिंग, तो यानी कि जहां पर मैं हूं वहां पे स्पेस तो है ही नहीं फिर, ऐसा फिर बन रहा है डिफरेंट है ठीक है, बट जहां मैं हूं वहां स्पेस भी है, इनफैक्ट आप जहां है वहां शरीर भी है, ये तो ये बात सही है, आप जहां है वहां स्पेस भी है जी, आप जहां है वहां आप भी है, जड़ भी है और शून्य भी है, तीनों एक ही स्थान पर है जी भैया, तो ऐसा हो सकता है ना, जड़ और जड़ की परस्परता में देखें तो एक ही स्थान पे दो जड़ इकाइयां नहीं हो सकती, बट जड़ चैतन्य के अस्तित्व को देखें तो एक ही स्थान पे जड़ और चैतन्य दोनों हो सकते हैं, और शून्य को देखो तो शून्य तो है ही जी भैया। ऐसा आ रहा था कि जैसे मैं जिस जगह पे हूँ वहां तो क्रियाओं को देख रहा हूँ,
तो यहाँ तो क्रिया हो रही है, लेकिन क्या उस थोड़े से पार्ट में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे शून्य ऐसे मतलब थोड़ा सा लिंक नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा और इस पे हाँ इसको थोड़ा देखें है ना, हाँ, जो हर जगह व्याप्त है उसका क्या अर्थ है। जी तो जहाँ इकाई है वहाँ तो होगा ही, ऐसा नहीं कि वहाँ कट गया। जी ठीक है, तो आज हम लोग क्लोज कर लेते हैं। आज का असाइनमेंट भी यही कि इन शब्दों के हम विस्तार में जाएं, इन शब्दों के अर्थ को लिखें और एक एक शब्द के अर्थ में क्या अंतर है दूसरे शब्दों के साथ उसको भी थोड़ा नोट करें, तो हमारे आगे के एक्सप्रेशन के लिए क्लैरिटी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जी सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।